टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरकार हाशमी फिर एक बार जो है दिल्ली के सिंह बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से लगातार आपको जो है खबरें दिखा रहा हूँ। अलग अलग तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई किस रूप में, कोई कुछ रूप में, बहरहाल अपने अलग अंदाज में जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, देखिए एक देश का बुरा हाल है क्योंकि मीडिया दलाल है, इस तरह की यहाँ पे देख सकते हैं आप। दूसरी तरफ दिस इज ट्रू जर्नलिज्म और दूसरी तरफ है दिस इज बैड द मीडिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, किसान जो मजदूर है वो अलग अलग तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर गोदी मीडिया को भी भगाया जा रहा है क्योंकि गोदी मीडिया कुछ अलग तरीके से पेश कर रही है, जो किसानों की जो बात है वो सरकार तक ना पहुँचाते हुए वो गलत इफेक्ट दे रही है। इसलिए जो है यहाँ पर गोदी मीडिया का भी कुछ तस्वीरें लगी हुई है जो है, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि मीडिया जो है दलाल है। और हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी काबिल सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट फाजिलका अबोहर गांव रुकनपुरा खुलखेड़ा। इस तरह के रूप आपने बनाए हुए हैं आपने? ये जी हम आजाद होकर भी आजाद महसूस नहीं करते, आजादी तो है लेकिन पूरी तरह अंदर से हम जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। हमारी मांग ये है कि जो मोदी सरकार ने जो काले कानून किसानों के ऊपर ठोके हैं उनको वापस लें, नहीं तो हम घर जाने वाले नहीं हैं। जितनी देर तक मोदी सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेता उतनी देर तक हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे 6 महीने साल लग जाए हम इसी तरह जंजीरों में जकड़े रहेंगे। तो मोदी सरकार जो है आप लोगों के पक्ष में बता रही कि ये जो हमने कानून लाया है आपके पक्ष में है, आपके जो है फेवर में है, आपको दुगना जो है आमदनी होगी। अगर हमारे किसानों के फेवर में होता तो ये मंजर देखने को मिलता? देखो लाखों किसान है, लाखों की संख्या में किसान आए हैं। अगर ये अच्छा होता तो हमें क्या जरूरत थी सड़कों पर आने की? हम अपने छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के सड़कों पर बैठे हैं तो हम क्यों आते? अगर अच्छा होता कानून, इसीलिए ये कानून अच्छा नहीं है, इसको वापस ले जल्दी से जल्दी, तो हम अपने घर बच्चों के पास जाएं, इनको वापस कराए बिना नहीं जाएंगे हम। अगर मोदी सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो क्या मतलब आगे कदम क्या उठाएंगे आप? ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा नहीं तो हम जाएंगे नहीं, आंदोलन और बढ़ेगा। ये आंदोलन इतना ज्यादा हो जाएगा अगर किसान यहाँ से 10 या 15 ट्राली किसान की जाती है तो उधर से 50 ट्राली आएगी, इस आंदोलन को और तेज करेंगे और यहीं डटे रहेंगे जितनी देर तक ये मोदी सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेती, हम यहीं रहेंगे और यहीं डटे रहेंगे, यहीं मरेंगे। दरअसल हम बहुत कुछ आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि काफी लंबी मतलब दायरा है, 25 किलोमीटर की दायरे में जो है ये प्रदर्शन जारी है और अलग अलग तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो जी, जो हिंदुस्तान है वो एक लोकतंत्र देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश उसको बोला जाता है। कौन सी मीडिया जो है दलाली कर रही है और कौन सी मीडिया आपके पक्ष में है? ये अभी जो आम लोग हैं ये सब समझ गए इनकी चाल, इन्होंने जो सरकार की दलाली कर करके लोगों की आंखों में जो धूल जोड़ रखी है ना वो अभी लोगों को समझ में आ गई है, इसलिए ये जो लोग हैं ये जो दलाल मीडिया है ये अभी जनता के सामने आने से इनको हिचकिचाहट हो रही है, लोगों के अंदर इनका बायकॉट कर रहे हैं लोग। दलाल मीडिया, मैं तो दलाल ही बोलूंगा, उनका सब दलाल ही बोलते हैं क्योंकि ये दलाली करते हैं, इसलिए दलाल मीडिया की यहाँ एंट्री नहीं है। मैं थैंकफुल करता हूँ जो लोकल मीडिया है ना, इन्होंने जो किसानों की बात है ये लोगों के सामने रखी है। अगर ये दलाल इंटरनेशनल मीडिया जो दलाल है नेशनल मीडिया, इनको जब किसान 2 महीने पहले 3 महीने पहले पंजाब में आंदोलन चल रहा था, धरने चल रहे थे, इन्होंने एक भी बार न्यूज नहीं दिखाई अपने चैनल पर। अभी इनको जब ये बहुत बड़े लेवल में चला गया तब इनको याद आया, वो भी क्या बता रहे हैं कि कोई बता रहा है ये खालिस्तानी आ गए हैं, कोई बता रहा है ये कहां से आ गए, कोई बोल रहा है ये कहां, उनके भी हाथ पैर। लेकिन आप लोग के कंधे पे बंदूक कौन चला रहा है? कंधे पे कोई बंदूक नहीं चला रहा है, कंधे पे बंदूक कोई कैसे चला देगा? आज मोदी जी तो कह रहे हैं कि आपके कंधे बंदूक, ये जो मोदी जी नहीं जो मीडिया कह रहा है, इसीलिए तो इसको दलाल मीडिया बोला जाता है। इनका
नाम इसीलिए दलाल मीडिया है। इनका जो मीडिया का काम होता है, उनका काम होता है कि सरकार से सवाल करना। ये सरकार से सवाल नहीं, ये विपक्ष से सवाल करते हैं। इनको सरकार से, क्योंकि वहां से तो इनको इनका घर चलता है, उनको तो ये कुछ बोलते नहीं है। क्या मांग है आपकी, मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो जो तीन काले कानून है इनको वापस करें, और करने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई हल नहीं है। सरकार अभी भोपाल में जो है कॉन्फ्रेंस के जरिए बता रही थी कि बहुत हमारी सरकार जो है बहुत कुछ, जब से आई हमारी सरकार तब से बहुत कुछ फायदा आप लोगों को हो रहा है, और आप लोग जो इस पर भैया हमारे को फायदा सभी को दिख रहा है कि कितना फायदा हो रहा है किसको। अगर किसी को फायदा होता तो लोगों का कोई दिमाग खराब नहीं है जो यहाँ पे घूम रहे होते हैं। फायदा करना सानू ये फायदा नहीं चाहिए। जे मान के जो तुहानू किसी चीज की तुसी तुहानू जरूरत है नहीं, धक्के नाल तुहानू तुहानू थोड़ा दे दांगे असीं, सानू ये चीज की जरूरत है नहीं। वो कहंदा ना फायदा करता, सानू ये फायदा नहीं चाहिए। उन्हें कहा भी तू वापस रख। कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे आप? जिन्ना टाइम ये काले कानून रद्द नहीं करता इतने ही असं रहेंगे। राशन 6 महीने साल का साढ़े कोल आ, जिहड़ा असं राशन लैके आए हैं वो तां असीं खोलिया नहीं, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ, ਹਮ ਤੋ ਆਜ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਯੇ ਹਮ ਸੜਕੋਂ ਪੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹੈ, ਹਮੇ ਸੜਕੋਂ ਪੇ ਉਤਾਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗਲਤ ਨਲਾਇਕੀ।